हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई प्रोडक्ट। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्टैग के बारे में कि फास्टैग हम कहां से परचेस कर सकते हैं, फास्टैग क्या चीज़ है, फास्टैग को कैसे यूज़ करना है, उसके बेनिफिट क्या है और इसे किस तरीके से रिचार्ज करना है, उन सब की बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब विद बेल आइकन, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही टेक वीडियोस पोस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं आई प्रोडक्ट। अब सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 15 फरवरी से फास्टैग सभी टोल प्लाजा में मैंडेटरी हो गया है। अगर आप फास्टैग के बिना चाहते हो टोल प्लाजा में एंट्री लेते हो तो आपकी कार के लिए आपको दुगना टैक्स पे करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, दुगना टैक्स, दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। मुझे भी ऐसा लगा था कि टोल प्लाजा वाले मेरे पास से दुगना टैक्स नहीं मांगेंगे, बट मैं पिछले हफ्ते गया था आनंद से वडोदरा, जिसके मुझे 40 रुपीज के 80 रुपीज मुझे टैक्स लगे थे और यहाँ पे लिखा है कि डबल टैक्स। और मैं गया था वडोदरा से भरूच, जिसके 95 रुपीज थे बट मैंने पे किए थे 190 रुपीज़। तो मुझे इन दोनों टोल प्लाजा में दुगना टैक्स पे करना पड़ा है। तब मेरे पास फास्टैग नहीं था, तब मैंने तुरंत फास्टैग अपने कार के लिए ले लिया था। तो इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूँ किस तरीके से फास्टैग लेना है। फास्टैग लेने के लिए मेनली दो तरीके, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। पहले बात करते हैं ऑफलाइन तरीके की। आप किसी भी बैंक में जाकर कहते हो ना कि मुझे फास्टैग परचेस करना है, तो वो आपको कहेंगे कि आपकी आरसी बुक की कॉपी है ना, वो हमें दो एंड आपकी गाड़ी नंबर वो सब कुछ डाल के दो। तो वो लोग आपको तुरंत फास्टैग दे देंगे, जो कि कुछ इस तरीके टाइप का होगा। मैंने यहाँ पे कार पे लगाया है, ये पेटीएम का मेरे पास फास्टैग है, बट आप किसी भी बैंक में जाके ले सकते हो, लाइक SBI, कोटक बैंक, फिर ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, उन सभी बैंक में भी जाके भी ले सकते हो। एंड फास्टैग की फ़ीस की बात करो तो आप ऑफलाइन लेने जाते हो फास्टैग, तो वो लोग बैंक वाले 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जिसमें 200 रुपीज़ वॉलेट अलाउंस मिलता है आपको। मतलब कि आप किसी भी टोल प्लाजा पे जाते हो तो आप वो 200 रुपीज़ यूज़ कर सकते हो। 200 रुपीज़ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रखने पड़ेंगे आपको, एंड 100 रुपीज़ वो लोग चार्ज करते हैं प्रिंट के लिए अभी फास्टैग की। तो मतलब कि आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर आप कोई भी बैंक का लेते हो, लाइक SBI, एक्सिस, HDFC, ICICI, तो वो सभी आपको पे करने पड़ेंगे। एंड अभी बात करते हैं ऑनलाइन तरीके की। तो ये सब भी मैंने जो बैंक्स के नाम लिए ना, वही बैंक्स आपको ऑनलाइन भी देते हैं फास्टैग, जो कि आपके घर पे डिलीवर करते हैं। बट ये सभी बैंक्स है ना, वो 500 रुपीज़ ही लेते हैं ऑनलाइन में। बट मेरे पास एक अच्छा सा ऑप्शन है, जो कि बहुत ही सस्ता है एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा आपको यूज़ करने के लिए, वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। ये मेरे पास जो फास्टैग है ना, वो पेटीएम की ओर से ही फास्टैग है, जो कि सिर्फ आपको 350 रुपीज़ में मिलता है, जिसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज नहीं करते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये लिया है। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक में से फास्टैग को परचेस कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जो कि फास्टैग खरीदने के लिंक है पेटीएम की ओर से। आप जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि फास्टैग वो मैंडेटरी हो गया वो सब कुछ, और यहाँ पे आपको अपना सबसे पहला जो कार का नंबर है ना, वो डाल देना है, जो कि आपके आरसी बुक में भी लिखा होगा और आपको भी याद होगा। तो वो आपको सबसे पहले वो डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको आरसी बुक की फ्रंट पेज एंड सेकंड पेज, मतलब कि बैक पेज, वो दोनों पेज को, ये और ये पेज, दोनों पेज को अपलोड कर देना है फोटो क्लिक करके। अगर आपके पास पहले से ही फोटो है तो वो डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत फीस की डिटेल भी लिखी है कि क्या क्या चार्ज करेंगे वो लोग। तो 100 रुपीज़ फास्टैग की फ़ीस चार्ज करते हैं एंड 250 रुपीज़ वो आपको फास्टैग वॉलेट में देते हैं यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ टास्क कर देना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 रुपीज़ की एंड 100 रुपीज़ की कैशबैक ऑफर भी है, अगर वो आपको अप्लाई करनी है तो वो कर देनी है। वो जो कैशबैक है वो आपको अपने पेटीएम वॉलेट में आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भी डाल देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है बाय फॉर 350 रुपीज़, फिर आपको पेमेंट कर देना है। आप जैसे भी चाहो कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर पेटीएम वॉलेट से भी आप कर सकते हो। विद इन 4 से 5 दिनों में आपके घर में ये जो फास्टैग है ना, वो डिलीवर हो जाएगा। एंड आपको वो फास्टैग विंडशील्ड के अंदर की साइड, मतलब कि कार की अंदर की साइड, यहाँ पे आपको ऊपर की साइड ऐसे कुछ लगाना है फास्टैग, फिर बस आपका काम हो गया। फिर आपको कोई भी टोल प्लाजा पे जाओगे तो कोई भी आपके पास से दुगना चार्ज नहीं करेगा। अगर आपके वॉलेट में नहीं है पैसे, तभी के तभी आपको वो लोग दुगना चार्ज करेंगे, बाकी जो भी टैक्स कटता है ना नॉर्मल वाला, वही आपको पे करना पड़ेगा। तो आप कुछ इस तरीके से फास्टैग परचेस कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक का ही फास्टैग परचेस करें, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। एंड आपको इसे रिचार्ज करने के लिए कोई भी दूसरे कुछ ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट वॉलेट लोड करते हो ना अपना पेटीएम वॉलेट, उसी में से ये सब कुछ पैसे हो ना डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अभी बात करते हैं दूसरे जो बैंक के जो फास्टैग है उसे रिचार्ज कैसे करना है। तो आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, उन सभी एप्लीकेशन से आप डायरेक्टली रिचार्ज कर सकते हो। आपके अपने जो कार का नंबर है ना,
वो जो भी आता है जीजे 0104 वो सब कुछ डाल देना है। एंड वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि रिचार्ज माई फास्टैग, रिचार्ज फास्टैग वैसा कुछ ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करके आपको गाड़ी नंबर डाल देना है। एंड देन आपको जितना भी रिचार्ज करना है 100, 200, 500, 1000 रुपीज़ वो अमाउंट डाल के आपको अपने पैसे कट करवा देने हैं और वो पैसे डायरेक्टली अपने जो फास्टैग का जो वॉलेट है ना उसमें लोड हो जाएंगे। एंड जबकि आप पेटीएम यूज़ करते हो तो ऐसी कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट पेटीएम वॉलेट को ही लोड कर देना है तब ये ऑटोमेटिकली ये सब कुछ पैसे अपने आप डिटेक्ट हो जाएंगे। एंड अभी बात करते हैं फास्टैग के बेनिफिट क्या है। तो फास्टैग में आपको जो टोल प्लाजा की लेंथ थी ना बहुत बड़ी, जो कैश देने होते थे वो सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली अपने जो पैसे वो इसी से कट हो जाएंगे, जिससे आपका जो फ्यूल है वो भी बचेगा, आपको टाइम भी बर्बाद नहीं होगा आपका। एंड आप विद इन 24 आवर में उसी टोल प्लाजा पे दूसरी बारी आते हो तो आपको कम चार्ज देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ इसके बेनिफिट है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है फास्टैग। बाकी बात करूँ यार डबल टैक्स की, तो सब टोल प्लाजा पे डबल टैक्स अभी ले रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि अगर आपके पास कार है तो आप फास्टैग परचेस कर ले जल्द से जल्द। तो अगर आप फास्टैग परचेस करना चाहते हो तो उसके लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप पेटीएम पेमेंट बैंक की ओर से फास्टैग बहुत ही ईजिली परचेस कर सकते हो। एंड आई थिंक मैंने सब कुछ बात कर दी है फास्टैग के बारे में। एंड आपके मन में और भी कोई क्वेरी है फास्टैग के रिगार्डिंग या फिर क्वेश्चन है तो उन सब की जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, क्योंकि मैं वहाँ आपके लिए हाजिर रहूँगा रिप्लाई देने के लिए। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।